तो सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने निर्णय लिया है कि जो आपके पारद विज्ञान की दीक्षा देनी थी, पारद विज्ञान का कुछ कार्य समझाना था आप लोगों को, उसके लिए एक ग्रुप की आवश्यकता थी। तो हमने ग्रुप का पहले 12 अप्रैल तक को तारीख रखी थी, लेकिन वो बढ़ा करके 30 अप्रैल तक कर दी गई है। सुधीजन जल्दी से अपना पंजीकरण करवा लें, उसमें ग्रुप में पंजीकरण करवा लें और क्रमशः जो है पारद विज्ञान की शिक्षा दीक्षा कुछ चालू हो। हालांकि इस ग्रुप में अभी तक जो अनुदान आया है जैसा कुछ है तो कुछ खास नहीं है, पर फिर भी हम ये कह सकते हैं कि पारद के संस्कार तो सिखाए ही जाएंगे। पारद के संस्कार सीखने वाले लोग इसको ज्वाइन करें, क्योंकि ये स्वर्ण विज्ञान में ऊपर जाने के लिए ये पहली सीढ़ी है। अगर इसी में सफल नहीं होंगे तो आगे क्या होगा? तो बैकग्राउंड मजबूत होनी चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए आपकी एक अच्छी, जिससे कि कभी भी आप पराजय के मुख ना देखें। आशा है कि आप लोगों के पंजीकरण जल्दी आ जाएंगे और आगे का तदनुरूप कार्य शुरू होगा। चलो आज बात कर लेते हैं एक जड़ी बूटी के संबंध में। जड़ी बूटी, इसको ये जड़ी बूटी तब काम आएगी जब आप बहुत ही दुबले हों, शरीर में मांस न रह गया हो, तो ये जड़ी बूटी आपके काम आएगी। याद रखें कि भारतीय जड़ी बूटियां अपने आप में रेडीमेड दवाइयां हैं, और इनको भी अगर मिक्स करके लिया जाता है तो अत्युत्तम परिणाम दृष्टिगोचर होते ही हैं। ये प्राचीन काल से चला रहा है, निरापद है, किसी को कोई दिक्कत या तकलीफ नहीं होती है। तो इस जड़ी बूटी का नाम अश्वगंधा है, जिसको आप अश्वगंध भी कह देते हैं। नागौरी, नागौर राजस्थान में है, तो नागौरी अश्वगंध सबसे अच्छी मानी जाती है। अश्वगंधा की जड़ों से इसके दवा के रूप में जो मार्केट में मिल रहा है वो जड़ें ही ज़्यादा मिलती हैं, तो जड़ों का ही प्रयोग किया जाता है असल में। अब इनके फायदे हम बताते हैं। सफ़ेद सफ़ेद जड़ें होती हैं अश्वगंधा के नाम से, आप मार्केट में उनको ढूंढ सकते हैं। अब ये अश्वगंधा काम क्या करती है? अश्वगंधा का अर्थ है अश्व, अश्व माने घोड़ा, गंधा। इसकी कुछ गंध जब ये हरा पौधा होता है तो अश्व यानी कि घोड़े के समान ये इसकी महक होती है, और जब ये जड़ों के रूप में आपको मार्केट में उपलब्ध होती है तो चूंकि अश्व शक्ति से आजकल जितने भी मशीनरियां हैं उनकी क्षमता की जांच हार्स पावर से की जाती है, यानी कि अश्व को अतुलनीय बलशाली माना गया है। तो ये हार्स पावर आप यहाँ पर देखिए अश्वगंधा में क्या है। अश्वगंधा की जो गांठें हैं यानी कि जो जड़ें हैं उनको पीस करके पाउडर बना लिया जाता है। ये काम क्या करेगी? यह है, अगर नसें दिख रही हैं, हड्डियां दिख रही हैं, मांस शरीर में नहीं दिख रहा है, तो मैं प्रयोग बता रहा हूँ, इसको आप करिए और निश्चित तौर पे करीब 3 महीने में शरीर आपका मांसल हो जाएगा, देखने में सुंदर लगने लग जाएंगे और मसल्स भी बढ़ती हैं, इससे मसल्स भी बढ़ेंगी आपके। ज़्यादातर बूढ़े व्यक्तियों को अश्वगंधा का सेवन इसलिए किया जाता है, उनको करना चाहिए, कि अगर वो अश्वगंधा का सेवन करते रहते हैं तो बुढ़ापे की जो तकलीफें हों, बुढ़ापे की जो बीमारियां हों, उनसे वो बचे रह सके। अश्वगंधा का सेवन कर रहे हैं तो कमजोरी नहीं आएगी, बुढ़ापे में भी एक्टिव रह सकेंगे। अब दुबले पतले लोगों के लिए
तो असगंध नागौरी को लेकर के उसको पीस लें, खरल कर लें या पीस लें, तत्पश्चात उसको कपड़ छन करके यानी कपड़े से छान लें तो कुछ मोटा मोटा सा बचेगा, कुछ पाउडर बन जाएगा। ये मोटे वाले को अलग रख लें और पाउडर जो बिल्कुल महीन बारीक पिस जाए उसको अलग रख लें। अब आपको क्या करना है, जो बारीक पाउडर है उसको 5 ग्राम से 10 ग्राम के बीच में आपको सुबह और शाम धारोष्ण दूध के साथ, यानी कि ताज़ा दूध हो, वो पकाया हुआ ना हो, तुरंत का जो दूध दुहा जाता है वो ताज़ा होता है, थोड़ा हल्का हल्का गर्म होता है, इसलिए उसको धारोष्ण दूध कहते हैं। तो करीब 0.5 लीटर दूध के साथ या आप जितना पचा सकें उसके साथ अश्वगंधा का सेवन कर लें। ऐसे ही शाम को करना चाहिए। दुग्ध अगर गाय का हो सके तो सर्वश्रेष्ठ है, बकरी का मिल जाए तो भी अच्छा है, और नहीं तो फिर भैंस का ही मिले, दूध आप ले सकते हैं, पर गाय का और बकरी का ध्यान रखें, अगर मिल जाए तो उसी से आप इसको दवा कर लें। इसके बाद में क्या है, जो इसका मोटा मोटा भूसा जैसा बचा था उसको आप क्या करेंगे, नारियल के तेल में या पीली सरसों के तेल में या तिली के तेल में करीब उसको, अगर मान लीजिए कि 1 किलो तेल है तो उसमें लगभग आपको 400 ग्राम तक ये डालना है, ऐसा रेशियो होना चाहिए। मंद आंच में पकाना है, इसको तेज आंच नहीं देनी है, मंद आंच में धीरे धीरे पकाना है इसको जौकुट को, और इतना पका डालना है कि जब ये जलने लग जाए काला पड़ जाए तो फिर इसको छान करके आप रख लें। ये हो गया अश्वगंधा एसेंशियल ऑयल, जो कि मार्केट में बहुत ही महंगा मिलता है। इस ऑयल को आप रख लीजिए। तत्पश्चात क्या करना है आपको, सवेरे उठें सुबह 4 बजे, 4 बजे उठें और नहा धो कर के आप इस अश्वगंधा तेल की मालिश करें। याद रहे कि मालिश कैसे करनी है, ये जो रुए आपके हाथ के या पैर के जैसे रुए होते हैं उनकी विपरीत दिशा में मालिश की जाती है, तो रोम छिद्रों में वो तेल घुस जाएगा। वह इतनी मालिश करनी चाहिए हल्के हाथों से ये सारा का सारा तेल आपके शरीर में सूख जाए, फायदा तभी होगा जब ये तेल सारा का सारा शरीर में सूख जाए। कोशिश ये रहे कि ये तेल पहले दिन में कम, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में ऐसे थोड़ी सी मात्रा बढ़ा करके लेनी चाहिए जिससे कि ये शरीर में सूख जाए। अब ये 3 महीने तक आप इसको प्रयोग को कर सकते हैं, और दूध के साथ जो आप ले रहे हैं वो तो ले ही रहे हैं, इस प्रयोग को करने से आपके शरीर में जो हड्डियों का ढांचा रह गया है उसमें भी मांस आने लगता है, और मांस से जब शरीर होगा सही तो सुंदरता भी बढ़ेगी। अब चेहरे पर झुर्रियां हैं, चेहरे पर बहुत ज़्यादा चेहरा बुड्ढों जैसा लगने लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसी तेल को यूज करना है। वो कैसे करना है, पहले तो आप एक भगोने में पानी को गर्म करेंगे, फिर कोई मोटा तौलिया लेकर के सिर पे ऐसे डाल करके ऐसे मुंह नीचे को औंधाएंगे, यानी कि उसकी भाप आपको लेनी है, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो तौलिए को पानी में, गर्म पानी में डाल करके फिर बाद में निचोड़ लें और ऊपर से जैसे ओढ़ेंगे, तो ओढ़ेंगे थोड़ी देर तो पसीना आएगा, आपके हर रोम छिद्र को खुलना चाहिए, पसीना आना चाहिए। ये पसीना जब आ जाए 15 मिनट तक आप भाप ले करके पसीने को किसी प्रकार से आने दें, तत्पश्चात आप इसको स्वच्छ रूमाल से चेहरे को पोंछ लें, और धीरे धीरे आप चेहरे पर, जैसे आपकी दाढ़ी नीचे को आती है ना, रोम छिद्र नीचे को, तो आप ऐसे उल्टा करेंगे, ऐसे इस
प्रकार से उल्टा जब करेंगे मत्थे में और इस सब जगह गले तक में आप इसको मालिश करेंगे। तत्पश्चात ये यूँ प्रकार से ऐसे चलते हुए या कभी कभी ऐसे ऐसे कभी ये ऐसे धपकी दे करके चार प्रकार की मालिश होती है। पहले की वीडियो में मैं इसको बता चुका हूँ, उसमें आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो मालिश करके इसके बाद किसी ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहाँ से हल्की हल्की हवा, खिड़की के पास या कहीं ऐसे बैठ जाएं तो हल्की हल्की हवा लगे, और इसके बाद में करीब 15-20 मिनट तक ऐसे करें, इसके बाद आप फुर्सत हो जाएंगे। ये क्रिया आप लगातार करें तो जो आपका चेहरा झुर्रियों से था झुर्रियाँ मिटेंगी, टाइटनेस आएगी, और जब टाइटनेस आएगी तो जाहिर है कि सुंदरता बढ़ेगी और आप देखने में कम उम्र के लगेंगे। ठीक है ना, कितना कम उम्र के लगेंगे ये तो आप करके देखिए, खुद आपको पता चल जाएगा कि कितना है। तो इस प्रयोग को महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। अब ये जो मसल्स वाली बात मैंने बताई थी कि मसल्स, जब आप अश्वगंधा खाएंगे तो थोड़ी सी मेहनत भी करें। आजकल बाजार में एंड्यूरा मास और जाने क्या क्या आ रहा है, कहते हैं उसको खाने से मसल्स बढ़ जाती हैं, वो एक ऐसा तरीका है जो कि बाद में शरीर के लिए आपको घातक होगा। ये ऐसा तरीका है, स्वास्थ्य बढ़ाएगा, और सबसे बड़ी बात आप जानते हैं इसमें क्या होगी, शरीर को फुलाता नहीं है, जो कुछ शरीर में आता है निखार या जो कुछ भी शरीर में मांस वगैरह दिखता है वो नेचुरल होता है। अगर ये फूल जाए शरीर कुछ दिन अच्छा लगे तो जब दोबारा वो पिचकेगा तो फिर और भी बद्दा लगेगा, वो आपको नहीं करना है। आपको इस तरीके से अपने चेहरे की सुंदरता को और शरीर के सौष्ठव को ऐसे बढ़ाना है। अब देखिए, केवल शरीर देखने में ही अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ पर ये होगा कि शरीर केवल देखने में ही अच्छा नहीं लगेगा बल्कि शरीर में बल भी आएगा, क्योंकि अश्वगंधा का सेवन आप कर रहे हैं। तो मात्र एक इस जड़ी बूटी से, मात्र एक इस जड़ी बूटी से ये जो क्रियाएं मैंने बताई करके आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं, और जितने दिन तक हो सके इसको खाते रहिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ध्यान रखें कि नेचुरल अश्वगंधा ही हो, और अगर आप अश्वगंधा की खेती करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वरना तो आपको ध्यान रखें कि जब वहाँ पे जाएं तो उनसे यही कहें कि नागौरी अश्वगंध हमको चाहिए, महंगी मिलेगी लेकिन आप उस अश्वगंध को लेकर के अपने जीवन में वह उजाला प्राप्त कर सकते हैं जो कि साधारण तौर पर आपको महंगी महंगी दवाइयों में नहीं मिलती, जिम में जाते हैं नहीं मिलती। जिम का एक सिस्टम होता है, जैसे आप जिम में जाते हैं तो वहाँ भी ये सब चीज़ें कुछ खिलाई जाती हैं पिलाई जाती हैं, बड़ी महंगी होती हैं। वहाँ ये होता है कि आदमी जिम जा रहा है तो दिखना चाहिए कि कुछ हो रहा है, हमको वो नहीं करना है, हमको दिखने के लिए नहीं, ना तो आपको जिम जाना है ना कहीं जाना है, घर में कसरत करिए, व्यायाम करिए। ठीक है ना, घर में कसरत करें, ज़्यादा देर नहीं करनी है आपको, 15-20 मिनट भी कर लेंगे तो अगर आप लोग मांग करेंगे तो वो कसरतें भी कभी बताएंगे, वरना जो कुछ आपको आता हो जैसे आता हो आप वैसे कसरत करें, निश्चित रूप से आपके शरीर में बल की वृद्धि होगी, सौंदर्य की वृद्धि होगी, और अश्वगंधा का सेवन करते रहने से रोग दूर ही भागते रहेंगे, क्योंकि ये रोग तब पकड़ते हैं जब आप कमज़ोर होते हैं, जब हम कमज़ोर नहीं होंगे तो रोग पकड़ेंगे नहीं। ध्यान रहे, दूध के सेवन के साथ ही अश्वगंधा का सेवन करना है, दूध के बिना नहीं करना है, ये उसका अनुपान है। और दूध भी ऐसा लेना है जो कि तुरंत का निकला हुआ हो। अब जहाँ पर ये व्यवस्था नहीं है तो वो कैसा भी दूध ले सकते हैं, पर ध्यान रखें पाश्चराइज्ड दूध तो आप लें ही ना, मार्केट का दूध ना लें, दूधिया से दूध लें,
वो अगर पानी मिला के भी देता है तो भी नुकसान नहीं है, बट उसमें ये होना चाहिए कि वो और भी चीज़ें जो डाल देते हैं आजकल दूधे लोग, जैसे निरमा वगैरह डाल करके, तो ऐसा दूध तो फिर फ़ायदा ही नहीं करेगा, नुकसान ही करेगा आपको। ध्यान रखें कि शुद्धता दूध की हो। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर मैं विराम देता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। हरिओम, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, हर हर महादेव।